नमस्कार दोस्तों, यूसी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे बेरिंग का बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे लेते हैं। बेरिंग बेरिंग जो भी है, जितना भी बेरिंग है, सब दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया फ्रिक्शन बेरिंग और एक हो गया एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, ठीक है। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में क्या क्या आता है और फ्रिक्शन बेरिंग में क्या क्या आता है, आज टोटल ये सब वीडियो में आज समझेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग का पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो चलते हैं। ये फ्रिक्शन बेरिंग, फ्रिक्शन बेरिंग में क्या आता है, फ्रिक्शन बेरिंग क्या है पहले समझते हैं। बेरिंग जो हमारा शाफ्ट में लगता है, जो भी बेरिंग शाफ्ट में जो लगता है, वो शाफ्ट में जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है ना। तो शाफ्ट में जो बेरिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा उसको फ्रिक्शन बेरिंग बोलते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन बेरिंग का देखिए इमेज में दिया हूं, ये हो गया फ्रिक्शन बेरिंग, जैसे कि ये बेरिंग देखिए शाफ्ट में डायरेक्ट लगा हुआ है। ओके, और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या है, शाफ्ट में वो इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा, उसको इसलिए एंटी फ्रिक्शन बेरिंग बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको एक बेरिंग को देखना पड़ेगा। बेरिंग का इमेज आप देखिए, एक बेरिंग में क्या होता है, एक हो गया आउटर रेस और एक हो गया इनर रेस, और उसका बीच में लगता है बॉल, और बॉल को जो गाइड करता है उसको केज बोलते हैं, ठीक है। तो जब बेरिंग चलता है तो शाफ्ट का ऊपर इनर रेस लगता है, इनर रेस शाफ्ट को पकड़ के चलता है, और जब बेरिंग घूमता है तो शाफ्ट का साथ इनर रेस भी घूमता है, और आउटर रेस जो है वो हाउसिंग में फिक्स रहता है। तो इनर रेस और आउटर रेस का बीच में रोलर या फिर बॉल वो घूमता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन होता है, किसका सा ना, इनर रेस और आउटर रेस का साथ फ्रिक्शन होता है, और ये जो बेरिंग घूमता है शाफ्ट को लेके इनर रेस को, ठीक है। तो ये बेरिंग में क्या होता है, ये बॉल और जो रोलर है ये डायरेक्ट शाफ्ट में फ्रिक्शन नहीं होता है, ये इनर रेस और आउटर रेस में फ्रिक्शन होता है और बेरिंग मूवमेंट होता है, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग बोलते हैं। क्लियर, ओके। चलते हैं फ्रिक्शन बेरिंग में। फ्रिक्शन बेरिंग में आता है सबसे पहले, ये मैं दिया हूं जोनल बेरिंग का, ठीक है। जोनल बेरिंग क्या है, जोनल बेरिंग जो है ये हैवी ड्यूटी, हैवी लोड एंड हाई आरपीएम में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जोनल बेरिंग का एक तो इमेज देखिए, ये जोनल बेरिंग है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मतलब पावर प्लांट में टर्बाइन जो होता है, टर्बाइन का जो आरपीएम क्या होता है, 5,500 से 7,500 आरपीएम रहता है। तो टर्बाइन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, टर्बाइन में ये जोनल बेरिंग लगता है। ये जोनल बेरिंग मतलब टर्बाइन का जो है वो हाई आरपीएम भी होता है और हैवी लोड भी होता है, और क्या है ना, फैन में भी हम लोग लगा सकते हैं जहां पर हैवी ड्यूटी होता है। हैवी ड्यूटी जहां पर है, जैसे कि पावर प्लांट में कहीं कहीं पे आईडी फैन, एवरी फैन में भी जोनल बेरिंग लगाते हैं, और ये ऑयल चैम्बर में चलता है, ठीक है। ये हो गया जोनल बेरिंग, हैवी ड्यूटी, हैवी लोड और हाई आरपीएम, क्लियर। उसका बात चलते हैं थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग क्या है, थ्रस्ट क्या है, इसको पहले हमको समझना है। थ्रस्ट क्या है, मान लीजिए एक तो शाफ्ट है और शाफ्ट में हम लोग बेरिंग लगा दिया, और ये शाफ्ट का जो ये फोर्स जो है, ये फोर्स, ये एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं, और एक्सियल फोर्स को मेंटेन करके बैलेंस करके चलाने के लिए हमको थ्रस्ट बेरिंग यूज करते हैं। ओके, ये हो गया थ्रस्ट बेरिंग, क्लियर। उसका बात चलते हैं हम बुश बेरिंग। बुश बेरिंग क्या है, ये बुश बेरिंग जो है ये बहुत सिंपल बेरिंग है। ये बुश बेरिंग का आप लोग इमेज देख सकते हैं, कहीं पे भी जो भी इक्विपमेंट में हैवी लोड होगा लेकिन उसका आरपीएम कम होगा, वहीं पे हम लोग बुश बेरिंग को लगा सकते हैं। बुश बेरिंग का इमेज देखिए, ओके, ये हो गया बुश बेरिंग, क्लियर। तो जोनल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, बुश बेरिंग, तीनों हो गया। अभी चलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में क्या आता है, एक बॉल बेरिंग आता है और एक आता है रोलर बेरिंग। तो पहले समझते हैं बॉल बेरिंग को। बॉल बेरिंग में क्या है, सिंगल रॉ बॉल बेरिंग। सिंगल रॉ बॉल बेरिंग क्या है, सिंगल रॉ, सिंगल रॉ मतलब जिस बॉल बेरिंग में सिंगल बॉल लगेगा, सिंगल सिंगल बॉल लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये इमेज में देखिए सिंगल बॉल लगा है, तो इसको सिंगल रॉ बॉल बेरिंग कहते हैं। सिंगल बॉल, सिंगल रॉ बॉल बेरिंग कहां पे यूज होगा ना, ये जहां पे लाइट लोड, ये लाइट लोड ले सकता है, कम लोड होगा और हाई आरपीएम में ये यूज हो सकता है। ओके, अभी चलते हैं डबल रॉ में। ये हो गया सिंगल रॉ, ठीक है, सिंगल रॉ। अभी चलते हैं डबल रॉ में। डबल रॉ क्या है, डबल रॉ, जैसे कि उसमें सिंगल रॉ था, इसमें हो गया डबल रॉ, डबल बॉल लग गया। ये देखिए इमेज में डबल बॉल लग गया। तो जब ये डबल रॉ हो गया तो सिंगल रॉ का कंपेयर से ये थोड़ा इसका लोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये थोड़ा लोड पावर इसका जो है ड्यूटी, मतलब ये थोड़ा हैवी लोड हो जाएगा, मतलब सिंगल रॉ से, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका
हैवी लोड हो जाएगा और आरपीएम कोई मतलब हाई आरपीएम में चला सकते हैं, ये डबल रॉक। उसका बाद आ गया सेल्फ अलाइनमेंट। सेल्फ अलाइनमेंट क्या है, ये कहीं पे भी जो इक्विपमेंट हम लोग लगाते हैं वो यदि थोड़ा भी अगर इधर उधर मिसअलाइनमेंट है तो भी इसको मैनेज करके इसको चला सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइनमेंट, ठीक है। उसका बाद हो गया एंगुलर कॉन्टैक्ट। एंगुलर कॉन्टैक्ट भी सेम ही है, इसका इमेज देख लीजिए, ये मतलब लोड भी ज्यादा ले सकता है और ये आरपीएम भी ज्यादा ले सकता है, ठीक है। ये हो गया एंगुलर कॉन्टैक्ट। उसका बाद आ गया थ्रस्ट बल बेयरिंग। थ्रस्ट बल बेयरिंग क्या है, थ्रस्ट में समझा दिया था आपको, ये एक्सियल फोर्स को एक्सियल बैलेंसिंग के लिए ये थ्रस्ट बेयरिंग लगाते हैं। यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन में दिया था थ्रस्ट बेयरिंग, ये हो गया बल में। ये थ्रस्ट बेयरिंग पंप में भी लगा सकते हैं, गियरबॉक्स में लगा सकते हैं, कहीं पे भी जहां पर एक्सियल लोड को हम लोग बैलेंस करके चलाना है वहीं पे थ्रस्ट बेयरिंग लगा सकते हैं, ओके क्लियर। अब ये हो गया रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग क्या है, ये हो गया थ्रस्ट बेयरिंग क्लियर हो गया। अभी रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग क्या है, ये भी सेम ही है रोलर बेयरिंग, लेकिन बॉल बेयरिंग से थोड़ा ज्यादा लोड लेता है कहीं पे भी, ठीक है ना, मतलब बॉल बेयरिंग से थोड़ा ज्यादा लोड लेता है रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग में क्या आता है, ये हो गया सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेयरिंग। सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेयरिंग क्या है, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट में हम लोग थोड़ा अगर मिसअलाइनमेंट हो गया है, अलाइनमेंट इधर उधर हुआ है, तो इसको मैनेज करके ये बैलेंस करके चला सकता है। ये सेल्फ अलाइनमेंट का मतलब रोलर बेयरिंग का इमेज देखिए, ओके। उसका बाद चलते हैं टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर बेयरिंग क्या है, ये हाई आरपीएम में चलेगा और ये हैवी लोड हैवी ड्यूटी में भी चल सकता है, और ये ज्यादा गियरबॉक्स में लगता है, फैन में भी लगता है, और उसका बाद ये पंप में भी लगता है, ठीक है ना। ये हो गया टेपर रोलर बेयरिंग, ये देखिए टेपर रोलर बेयरिंग। उसका बाद हो गया नीडल रोलर बेयरिंग। नीडल रोलर बेयरिंग क्या है, नीडल रोलर बेयरिंग जो है ये सेल्फ अलाइनमेंट हो गया, टेपर रोलर हो गया, अभी हो गया नीडल रोलर। नीडल रोलर क्या है, ये हैवी मतलब ये हाई आरपीएम चलेगा, हाई आरपीएम और लोड थोड़ा कम है इसका, ठीक है ना। ये वाल्व में सब लगता है, वाल्व में मतलब वाल्व जैसे कि मोटराइज वाल्व हो गया और ठीक है ना, जो भी है वो सब गियर मतलब मोटराइज गियर वाल्व हो गया, ये सब में लगता है वाल्व में, ठीक है। और ये ऑयल पंप में भी लग सकता है, ऑयल पंप में भी लगता है नीडल वाल्व, नीडल रोलर बेयरिंग, ओके। उसका बाद हो गया बैरल रोलर बेयरिंग। बैरल रोलर बेयरिंग जो है ये सेम ही है, इसका ड्यूटी हैवी ड्यूटी है और ये आरपीएम मतलब ये नॉर्मल आरपीएम में चल सकता है, ठीक है। उसका बाद हो गया सिलेंड्रिकल बेयरिंग। सिलेंड्रिकल बेयरिंग जो है ये हैवी ड्यूटी हैवी लोड, ये अच्छा हाई आरपीएम में चल सकता है और ये टेम्परेचर एरिया में भी ये चल सकता है, ये इसका इमेज देख लीजिए, ओके। उसका बाद हो गया स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो है ये जितना रोलर बेयरिंग में समझाया सबसे मतलब रफ एंड टफ बेयरिंग है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ये हैवी ड्यूटी हाई आरपीएम हैवी लोड सब में ये रफ एंड टफ चल सकता है। ये क्या है, ये फैन में लग सकता है, आईडी फैन एफडी फैन जो भी फैन सब में लग सकता है, ये गियरबॉक्स में लग सकता है, ये कन्वेयर बेल्ट में सब में लग सकता है, कन्वेयर लाइन में ज्यादा स्फेरिकल रोलर बेयरिंग लगता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया मतलब रोलर बेयरिंग। तो मैं समझा दिया आपको फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में बॉल बेयरिंग होता है, रोलर बेयरिंग होता है। तो टोटल पिक्चर में समझा दिया आप लोग, शायद मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, फिर से मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में मेरा अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।